आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आपको प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक अम्लीय है। आपको दे रखा है यहाँ पे CH4, फिर आपको दे रखा है C2H6 दे रखा है, फिर आपको दे रखा है CH3 बंद, फिर CH दे रखा है, फिर आपको दे रखा है CH2OH दे रखा है। यानी पहला आपका क्या है, मेथेन है, दूसरा आपका एथेन है, और तीसरा आपका क्या है यहाँ पर, एथाइन है। क्या है आपका, एथाइन है, और डी आपका जो आपका है वो आपका एल्कोहल है। अम्लीयता माइनस आई प्रभाव के समानुपाती होती है और किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्लस आई प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और जितने ज्यादा अम्लीय हाइड्रोजन होंगे, यानी जो अम्लीय हाइड्रोजन देगा वो आपका क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। और यहां पर यदि पाई बंद हो तो यहां पर अम्लीयता का क्रम क्या आता है, सबसे पहले एल्काइन आता है, फिर आपका आता है उसके पीछे एल्कीन आता है, फिर आपका आएगा एल्केन आएगा। तो ये आपके लिए जिसमें पाई बंद हो, बात समझ में आ रही। अब यहां पर आपको दे रखा है CH4 और यहां दे रखा है C2H6 दे रखा है, तो यहां पर C2H6 का आपका क्या है, प्लस आई प्रभाव ज्यादा है CH4 की तुलना में, इसकी तुलना में CH4 की तुलना में। तो यहां पर अम्लीयता का क्रम सबसे कम किसका आएगा, इसका आएगा, उससे ज्यादा किसका आएगा आपका, CH4 का आएगा अम्लीयता का क्रम ज्यादा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एल्केन है, आपके एल्केन है। अब यहां पर आपका क्या आ जाएगा, एल्काइन आ जाएगा, ये आपका एल्काइन आ जाएगा। और यहां पर तो C2H में तो आपके पास क्या है, यहां पर अम्लीय हाइड्रोजन है, क्या ये आपकी अम्लीय हाइड्रोजन है, तो सबसे ऊपर कौन सा आ जाएगा आपका, C2H5OH आ जाएगा। यदि इन दोनों में तुलना करें हम, किन दोनों में, इन दोनों में तुलना करें यहां पर, तो अम्लीयता कैसे निकालोगे आप, अम्लीयता समानुपाती होगी आपके संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के। आपका क्या आएगा यहां से, इसका संयुग्मी क्षार क्या आएगा, C2H5OH का संयुग्मी क्षार, ये आपका संयुग्मी क्षार आ गया C2H5O- आ गया। इसका संयुग्मी क्षार बनाओगे तो आपका क्या आएगा, इसका आएगा CH3 बंद, पर C पर ऋणात्मक आएगा। तो यहां पर आप जानते हो कम विद्युत ऋणी पर धनात्मक चार्ज स्थायी होता है, तो अधिक विद्युत ऋणी पर ऋणात्मक चार्ज स्थायी होगा। यहां पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, यहां पर कार्बन की कम है, तो ज्यादा स्थायी संयुग्मी क्षार कौन सा है आपका, ये वाला है। तो आपके स्थायित्व का क्रम कौन सा आ जाएगा यहां से, स्थायित्व का क्रम ये आ जाएगा आपका, क्योंकि ओ की विद्युत ऋणता ज्यादा है, किससे, कार्बन से ज्यादा है, इसी कारण से यहां पर ऋणात्मक चार्ज अधिक स्थायी है। ये आपका क्या है, यहां से अम्लीयता का क्रम है, ये आपका क्या आ गया, यहां से अम्लीयता का क्रम आ गया। ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा, यहां से एल्कोहल आपका सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो डी आपका क्या होगा, यहाँ से सही आंसर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।